फ्रेंड्स, मैं रीवा बोंदड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो अपन आज से स्टार्ट करते हैं वोकैब ऑफ द डे। तो फर्स्ट वर्ड है अपने पास प्रेशियस। प्रेशियस का इंग्लिश मीनिंग है ऑफ ग्रेट वैल्यू, हिंदी मीनिंग है इसका कीमती। अब आते हैं अपन इसके सिनोनिम्स पे। तो इसके सिनोनिम्स है अडोर्ड, चेरिस्ड, बीलव्ड एंड डियर। अगर अपन आए इसके एंटोनिम्स पे, तो इसके एंटोनिम्स है चीप, कॉमन, इम्पेयर, डेफिशिएंट। अपन आते इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पे। तो एग्जाम्पल सेंटेंस है द एग्जीबिशन एट द गैलरी हैज मैनी प्रेशियस वर्क ऑफ आर्ट ऑन डिस्प्ले। अब आता है अपन वर्ड नंबर टू। तो वर्ड नंबर टू आपके पास है मूटेड। मूटेड का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है मेक द सजेशन रिगार्डिंग समथिंग। इसके हिंदी मीनिंग क्या है? तो हिंदी मीनिंग है इसका सलाह देना। अब आए इसके सिनोनिम्स पे। तो सिनोनिम्स है इसके ब्रोच्ड, डिस्कस्ड, इंट्रोड्यूस। अब आए इसके अगर एंटोनिम्स पे, तो इसके एंटोनिम्स है क्लोज्ड और फिनिश्ड। अगर अपन आए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पे, तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है अ चीपर ऑप्शन टू अपग्रेड द रेलवे लिंक बिटवीन कुआलालंपुर एंड सिंगापुर हैज बीन मूटेड टू द मलेशियन गवर्नमेंट। अपन आते हैं वर्ड नंबर थ्री पे। तो वर्ड नंबर थ्री आपके पास है वॉलंट्री। वॉलंट्री का इंग्लिश मीनिंग होता है डन, गिवन और एक्टिंग ऑन समवन्स ओन्स विल। इसका अगर हिंदी मीनिंग पे आए, तो अपने आप करना, राइट। अगर अपन इसके सिनोनिम्स पे आएँ, तो इसके सिनोनिम्स है डिस्क्रिशनरी, ऑप्शनल, इलेक्टिव। अगर अपन इसके एंटोनिम्स पे आएँ, तो इसके एंटोनिम्स है कंपल्सरी, मैंडेटरी, नेसेसरी। अब आते हैं अपन इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पे। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है द टीम मेड अ वॉलेंट्री डिसीजन टू क्लीन देयर सिटी। अब आते हैं अपन वर्ड नंबर फोर पे। तो वर्ड नंबर फोर अपने पास है नोशन। नोशन का इंग्लिश मीनिंग है अ कंसेप्शन और बिलीव अबाउट समथिंग। हिंदी मीनिंग है खुद की सोच। अगर अपन आए इसके सिनोनिम्स पे, तो इसके सिनोनिम्स है कॉन्सेप्ट, अप्रोच, अजम्पशन। अगर अपन आए इसके एंटोनिम्स पे, तो इसके एंटोनिम्स है बीइंग, कॉन्सेंट्रेट, रियलिटी। अगर अपन आए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पे, तो एग्जाम्पल सेंटेंस इसका हो सकता है हिज नोशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल डज नॉट फाइंड एनी सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स। अपन आते हैं वर्ड नंबर फाइव पे। तो वर्ड नंबर फाइव है अपने पास रॉबस्ट। अगर अपन आए रॉबस्ट के इंग्लिश मीनिंग पे, तो इसका दो तरीके से मीनिंग है। अगर अपन बात करें इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट है इसका स्टर्डी इन कंस्ट्रक्शन। और अगर अपन बात करें इन केस ऑफ फूड, तो इसका है अ स्ट्रॉन्ग एंड अ रिच फ्लेवर ऑफ समथिंग। हिंदी मीनिंग है इसका ज़्यादा चलने वाला। अगर अपन आए इसके सिनोनिम्स पे, तो इसके सिनोनिम्स है ड्यूरेबल, रिसाइलेंट, टफ, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग। अगर अपन आए इसके एंटोनिम्स पे, तो इसके एंटोनिम्स है फिकल, वीक, फ्रेल, इंस्पायर्ड एंड टेस्टलेस। अगर अपन आए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस पे, तो एग्जाम्पल सेंटेंस है इसका दे हैव पुट इन प्लेस अ वेरी रॉबस्ट मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड इन द सिस्टम।